ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है, इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल पर प्रॉब्लम है ना। कौन सी अपकमिंग फिल्म में 10 साल बाद एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार और कटरीना कैफ? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसकी प्रमोशंस में यूट्यूब स्टार आशीष चंचलानी भी थे मौजूद? अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म से जुड़े कौन से लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं सामने? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी की। रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सूर्यवंशी 2021 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्मों में से एक है। ये पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सूर्यवंशी फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट कटरीना कैफ नजर आने वाली है। 2010 में रिलीज हुई 30 मार खान के बाद ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें अक्षय और कटरीना एक साथ दिखेंगे। सूर्यवंशी फिल्म वैसे तो एक एक्शन फिल्म है, पर इसमें काफी और सब प्लॉट्स भी है। इस फिल्म के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि अक्षय ने सूर्यवंशी के सारे स्टंट्स खुद ही परफॉर्म किए है। उनमें से कुछ स्टंट्स को तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से लटकते हुए परफॉर्म किया। तो आप इसी बात से जान सकते हैं कि अक्षय को खिलाड़ी कुमार क्यों कहा जाता है। जहां अक्षय बेहतरीन स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहित शेट्टी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस डायरेक्ट करते हैं। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें किसी फिल्म में देखने को मिलेगा, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो फिल्म कितनी शानदार होगी। और जी हाँ, सूर्यवंशी फिल्म भी बड़े ही शानदार तरीके से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें, सूर्यवंशी के प्रमोशंस तो काफी टाइम पहले ही हो गए थे, पर इस फिल्म प्रमोशन में कुछ अलग था। एक प्रमोशन के दौरान पहली बार यूट्यूब स्टार आशीष चंचलानी भी मौजूद थे, और उन्हें देखकर लोगों को ऐसा भी लगा कि कहीं आशीष भी तो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। पर जी नहीं, अभी तो फिलहाल वे सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं है, पर क्या पता नेक्स्ट प्रोजेक्ट में रोहित शेट्टी उन्हें अपने फिल्म में कोई रोल ऑफर कर दे। अब सूर्यवंशी की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है, पर ये कब रिलीज होगी ये देखने वाली बात रहेगी। पर जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होती है, तब तक इससे जुड़े फैक्ट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो अगर आप भी इन फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और हम फिर हाजिर होंगे एक और फिल्म से जुड़ी जानकारी को लेकर। क्या सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक्सटेंड करने की थी और भी कोई वजह? क्या है रिलायंस प्रोडक्शन का मतलब जब उन्होंने कहा कि 83 करेगी अब फिल्म सूर्यवंशी को रिप्लेस? गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से क्यों डर गई थी सूर्यवंशी? नमस्कार दर्शकों, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त महक। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर के लिए बॉलीग्राड आपके पास और आपके सबसे करीब। आज हम बात करेंगे 2020 के साथ साथ 2021 की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। फिल्म सूर्यवंशी बड़े ही लंबे समय से दर्शकों की इच्छा के अगेंस्ट जाकर रिलीज ना करने के फैसले लिए जा रहे हैं। सूर्यवंशी के आने के अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म की रिगार्डिंग जनता में बहुत चहल पहल रही है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो में कपिल ने अक्षय से सूर्यवंशी पर काफी सवाल किए थे। ऐसे में ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ाना तो लाजमी है ना। इंतजार की घड़ी को अब खत्म करते हुए नजर आने वाले हैं अक्षय, अजय व रणवीर सिंह, तीन बेहद हिट कलाकार एक ही प्लेटफॉर्म पर।
लेकिन क्या आपको पता है इतने समय से एक्सटेंड हो रही फिल्म सूर्यवंशी की वजह क्या है? बेशक कोरोना वायरस से बंद हुए थिएटर्स का रीजन है, बट क्या और भी कोई कारण है फिल्म के होल्ड पे लगने का? दरअसल सूर्यवंशी की मार्केट रिपोर्ट अच्छी ना मिलने के बाद ही कंपनी ने इसकी रिलीज टाल देने का निर्णय लिया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंपनी का कहना था कि मिस भी सूरत में अपनी दोनों फिल्मों सूर्यवंशी और 83 में से किसी एक को मार्च महीने 2020 में जरूर रिलीज कर देगी, और उस वक्त मौजूदा हालात फिल्म 83 के पक्ष में ज्यादा नजर आए। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह 83 के मुख्य हीरो हैं। हालांकि उनके कुछ सीन सूर्यवंशी में भी हैं, परंतु ऑडियंस और मार्केट के रिस्पांस के मुताबिक फिल्म 83 को ज्यादा तवज्जो दी गई। फिल्म सूर्यवंशी की होली के मौके पर रिलीज की तैयारियों को वार्नर ब्रदर्स की एक्शन फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिलीज की तैयारियों से भी एक तगड़ा झटका लगा था। हॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्शन फिल्म के सामने अपनी एक्शन फिल्म लाने से सूर्यवंशी बनाने वाली रिलायंस एंटरटेनमेंट भी कतरा रही थी। अक्षय की सूर्यवंशी भले ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, भले द मोस्ट अवेटेड एक्शन मूवी हो, मगर इतनी ज्यादा बजट के साथ साथ इतने अच्छे रिस्पांस पाने वाली फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के आगे रोहित शेट्टी की ये निर्देशन बुरी तरह फ्लॉप होने के कगार पर भी आ सकती थी, पर लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण ना ही अब तक फिल्म 83 ने कोई कदम लिया है और ना ही खुद सूर्यवंशी ने। ऐसे में हमें सिर्फ इंतजार करना है थिएटर्स के खुलने का, क्योंकि जब तक थिएटर्स खुलेंगे तभी सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फिल्म को पर्दों पर लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लेकर आएंगे नई फिल्म और नए किस्से। धन्यवाद। सूर्यवंशी को रिलीज करने को लेकर फिर फैल रही हैं अफवाहें। क्या सूर्यवंशी और बेल बॉटम को कर रहे हैं मेकर्स एक ही साथ रिलीज? क्या बोला अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म को लेकर उड़ती आई इन खबरों पर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड और अन्य फिल्मों से जुड़ी हर खबर हमेशा आपके द्वार। फिल्म सूर्यवंशी को तैयार हुए अब लगभग एक वर्ष हो चुका है। अब तक सूर्यवंशी को पुरानी फिल्म डिक्लेयर कर चुकी होती जनता, अगर फिल्म पिछले साल समय पर आ चुकी होती तो। सिर्फ सूर्यवंशी ही क्यों, एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को भी रेडी टू रिलीज हुए एक साल हो चुका है। दोनों ही फिल्में करीब एक साल से रिलीज होने की तैयारी में बैठी हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म सूर्यवंशी को लेकर ऑलरेडी अक्षय और रोहित काफी र्यूमर्स सुन चुके हैं। ऐसे में एक के बाद एक अगर खबरें आती रहेंगी तो किसी की भी शांति का बांध तो टूट ही जाएगा ना। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि खिलाड़ी कुमार अक्षय हर साल 3-4 फिल्में बॉलीवुड में रिलीज करते ही हैं, लेकिन कोविड के कारण उनकी फिल्में अटकी हुई हैं। दोनों फिल्मों के निर्माता रिलीज की तारीख पर काम कर रहे हैं और सही समय आने पर इसकी घोषणा करेंगे। फिल्म सूर्यवंशी में एक्ट्रेस कटरीना कपूर इनके ऑपोजिट होने वाली है, और अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी 2 बार सही मायनों में सूर्यवंशी की रिलीज डेट टाली जा चुकी है। सूर्यवंशी लॉकडाउन के दौरान भी 2-3 डेट सोच रही थी, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि सेकेंड वेव के बाद पूरी तरीके से लॉकडाउन लगवा दिया गया था। इसीलिए अब जब फिर से यह अफवाह उड़ी तो खुद एक्टर अक्षय कुमार ने आकर सामने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी। उम्मीद है हमें जल्द ही ये सुनने को मिलेगा और ये अफवाहें सच हो जाएंगी कि सूर्यवंशी, बेल बॉटम और भी कई अन्य फिल्में रिलीज हो रही हैं। आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि किस फिल्म का आपको ज्यादा इंतजार है, बेल बॉटम या फिर सूर्यवंशी, और वेट कीजिए हमारी अगली वीडियोस का हम लेकर। क्या सूर्यवंशी में हो चुकी है जयकांत शिकरे जैसे आइकॉनिक विलन की एंट्री? ये विलन कौन है और कैसे धमाल मचाने वाला है सूर्यवंशी में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों रोहित शेट्टी ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी कॉप यूनिवर्स की 4थी किश्त सूर्यवंशी की सक्सेस की। तभी तो पहले अक्षय कुमार और कटरीना की सुपरहिट जोड़ी, फिर अक्षय अजय रणवीर की तिकड़ी जैकी श्रॉफ एज अ विलन और फुल ऑन एक्शन जैसी हिट तरीकों को नारे इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वहीं अब एक और खबर सामने आ रही है इस फिल्म से जो कि विलन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम वेल बिल्ट विलन निकेतन धीर की। जी हाँ, अगर आप इस नाम को नहीं पहचानते तो चेन्नई एक्सप्रेस के थंगबली को याद कर लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में मुंबई में मद्रास का ये सुपरस्टार जादू बिखेरने के लिए तैयार है। थंगबली की एंट्री हो चुकी है इस फिल्म में,
और थंगबली का कहना है कि रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों हम सिंघम के जयकांत शिकरे को आज तक नहीं भूले हैं और रोहित शेट्टी हमेशा अपनी फिल्मों से आइकॉनिक विलन लेकर आ ही जाते हैं जिनको सालों तक नहीं भूला जाता। वहीं निकेतन की बात करें तो अक्षय के साथ वो दूसरी बार पड़े पर्दे पर दिखेंगे, इससे पहले वो हाउसफुल 3 में नजर आ चुके हैं। निकेतन की बात करें तो महाभारत में कर्ण का अहम रोल प्ले करने वाले पंकज धीर के बेटे हैं और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी जोधा अकबर से, जो कि ऋतिक रोशन यानी कि ऋतिक ने इस फिल्म में अकबर का किरदार किया था और अकबर के जीजा शरीफुद्दीन हुसैन इस फिल्म में वो बने थे। इस रोल के लिए निकेतन की बहुत ज़्यादा तारीफें हुई थी और वो विवेक ओबराय की फिल्म मिशन इस्तांबुल में भी नज़र आए थे। इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान और असिन स्टारर कॉमेडी रेडी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन फिल्मों में निकेतन धीर को सही मायने में पहचान मिली शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। इसके अलावा निकेतन हाउसफुल 3, फ्रीकी अली और दबंग 2 में भी नज़र आ चुके हैं। वहीं उन्होंने बॉलीवुड के अलावा तेलुगु फिल्म मिस्टर गौतम नंदा कंचे जैसी फिल्में की हैं। वहीं टीवी की बात करें तो नागार्जुन एक योद्धा, इशकबाज और नागिन 3 जैसे बहुत बड़े बड़े शोज में नजर आ चुके हैं। लास्ट टाइम में खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 के कंटेस्टेंट भी बने थे। एक्टिंग उनकी दमदार है, इसीलिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलते जा रहे। अब सूर्यवंशी में निकेतन वर्सेज होने वाला है अक्षय कुमार, एक तरफ धंग दूसरी तरफ खिलाड़ी कुमार, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बात होगी। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है सूर्यवंशी का और इस फिल्म में थंगबली को ऐसा विलन देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अक्षय कुमार की किस अपकमिंग फिल्म को कहा जा रहा है बॉलीवुड का एवेंजर्स? अक्षय कुमार की इस अपकमिंग फिल्म में कौन से एक्टर दिखेंगे विलन के रोल में? अक्षय की इस फिल्म से किस एक्टर को किया गया है ड्रॉप? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर मैं प्रियंका हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक सूर्यवंशी के बारे में। रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड सूर्यवंशी फिल्म काफी सारे रीजंस की वजह से लाइमलाइट में है। अब जब अक्षय कुमार इस फिल्म में है तब तो ऐसे ही लाइमलाइट में होना जरूरी है, पर इसके अलावा भी काफी और रीजंस हैं। आज उनमें से कुछ रीजंस हम आपको बताते हैं। सूर्यवंशी फिल्म को इंडिया का एवेंजर्स भी कहा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह एवेंजर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, उसी तरह इस फिल्म में भी बॉलीवुड के 3 सबसे बेहतरीन एक्शन हीरोज हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह। तीनों ही एक से एक बढ़कर। हमने तीनों को अलग अलग तो धमाका करते हुए देखा है, पर सूर्यवंशी फिल्म में पहली बार ये तीनों एक साथ नजर आएंगे। इसका मतलब धमाका नहीं, डबल धमाका भी नहीं, बल्कि ट्रिपल धमाका होने वाला है। इस वजह से भी सूर्यवंशी लाइमलाइट में है। इस फिल्म का ट्रेलर जिस दिन रिलीज हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर ही इस ट्रेलर को 43 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। अगर आप अभी की बात करें तो 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इस ट्रेलर पर। जी हाँ, इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सूर्यवंशी को 2021 की सबसे बड़ी फिल्मों में से माना जा रहा है। इस फिल्म में अक्षय के अलावा भी काफी बेहतरीन एक्ट्रेस शामिल हैं। सूर्यवंशी फिल्म में काफी सालों बाद गुलशन ग्रोवर मेन विलन के रोल में दिखेंगे। जी हाँ, एक समय में जहाँ कोई भी फिल्म बिना गुलशन ग्रोवर के नहीं बनती थी, आजकल गुलशन ग्रोवर काफी कम फिल्मों में नजर आ रहे थे, पर अब लगता है कि शायद इस फिल्म के साथ एक बार फिर उनके करियर को बूस्ट मिलेगा। इस फिल्म की कास्ट इतनी अच्छी है कि जिस एक्ट्रेस को इस फिल्म से ड्रॉप किया गया है वे अपनी एक्टिंग टाइमिंग के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नीना गुप्ता की। जी हाँ, नीना गुप्ता अक्षय कुमार की माँ का रोल निभा रही थी, पर 3 दिन शूटिंग होने के बाद जब उनके रोल की फिल्म के साथ टाइमिंग नहीं बैठ रही थी तो उनके रोल रोहित शेट्टी की अगली मूवी सूर्यवंशी की फाइनल रिलीज डेट क्या है? कैमियो के रोल में हमें कौन से एक्टर दिखने वाले हैं? क्या अक्षय कुमार एक बार फिर दर्शकों को अपने स्टंट से सरप्राइज करने वाले हैं? रोहित शेट्टी इस बार अपनी नेक्स्ट मूवी में क्या नया लेकर आने वाले हैं? तो दोस्तों हेलो, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, वी होप यू आर सेफ एट योर होम। आज हम आपको रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी सूर्यवंशी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताएंगे। मूवी किसको नहीं पसंद होती, और जब बात आए एक्शन और रोमांटिक मूवीज की,
फिर तो हर कोई इनका बेसब्री से वेट करता है। दोस्तों अक्षय कुमार की सारी मूवीज तो ऑलमोस्ट आप सबने ही देखी होंगी। खिलाड़ी कुमार हमें कभी भी अपने स्टंट या एक्टिंग से डिसअपॉइंट नहीं करते। इसी पैक के साथ हम एक बार फिर उनको सूर्यवंशी में देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं सूर्यवंशी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यवंशी की रिलीज डेट की। वैसे तो ये मूवी मार्च 2020 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन डायरेक्टर ने इसे पोस्टपोन कर दिया। दिवाली पर भी सिचुएशन ना संभलने के रीजन से सूर्यवंशी की रिलीज मार्च 2021 फिक्स की गई, बट लॉकडाउन के चलते इसे 30 अप्रैल तक पोस्टपोन कर दिया गया था। हालांकि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल ना होने के रीजन से फिल्म की रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो पाई है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, डायरेक्टर इज प्लानिंग टू रिलीज दिस मूवी ऑन इंडिपेंडेंस डे, बट इट्स नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड येट। दोस्तों सूर्यवंशी में हम अक्षय कुमार के ऑपोजिट कैटरीना कैफ को लीड रोल में देख पाएंगे। अक्षय कैटरीना की जोड़ी को हम पहले भी कई मूवीज में देख चुके हैं और इनको व्यूअर्स द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। नाउ आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने सिम्बा मूवी तो देखी होगी ना। अब सूर्यवंशी के अनाउंसमेंट सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हुई थी। सिम्बा के एंड सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिल्म में हम अक्षय कुमार को एटीएस ऑफिसर का रोल करते हुए देखेंगे। विलन की बात करें तो अभिमन्यु सिंह इसका रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी फिल्म सूर्यवंशी का क्लाइमैक्स सबसे डिफरेंट। कितनी देर का होगा अक्षय का ये क्लाइमैक्स सीन? क्या जून में होगा रिलीज डेट को लेकर फाइनल डिसीजन? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं आ गई हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पर सबसे बेहतरीन खबरें लेकर, फिल्मी दुनिया की डेली गॉसिप, फिल्म अपडेट्स और सभी कुछ सबसे पहले बॉलीग्राड पर। ऐसे ही हम लेकर आए हैं फिल्म सूर्यवंशी को लेकर एक नई न्यूज। फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक्शन पैक्ड ड्रामा होगी। इससे पहले भी रोहित ने कई एक्शन पैक्ड मूवीज दी है। इतनी हिट फिल्मों के बाद रोहित लेकर आना चाह रहे थे इंडस्ट्री की मेगा बजट फिल्म सूर्यवंशी, जहाँ उन्होंने 3 बड़े एक्टर्स को कास्ट किया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुए तो काफी वक्त गुजर गया, मगर फिल्म अभी तक बाहर नहीं आ पाई। वजह तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई ही है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप दर्शकों, लॉकडाउन से बढ़कर और कोई कारण नहीं जो फिल्म की रिलीज में अड़चने पैदा करे। अक्षय के मेन रोल के साथ सूर्यवंशी ने अपने ट्रेलर से जितने दिल जीते, उतने तो शायद किसी भी मूवी टीजर या ट्रेलर का कमाल नहीं देखा गया। बात करें फिल्म के क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स में होने वाला है कुछ धमाल। जी हाँ बिल्कुल, सूर्यवंशी का क्लाइमैक्स सीन थोड़ा यूनिक होगा, और सिर्फ यूनिक ही नहीं दर्शकों को पसंद आने योग्य भी होगा। ऐसा कहना है फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन टीम का। भले ही ये फिल्म पूरी तरीके से अक्षय कुमार की है, लेकिन एक्टर्स रणवीर सिंह और अजय देवगन का होना इस फिल्म को और हाई रेटेड और मेगा बजट मूवी बनाता है। दोनों ही अभिनेताओं की एंट्री फिल्म के क्लाइमैक्स में होगी। बता दें कि फिल्म का क्लाइमैक्स मतलब हर बॉलीवुड मूवी की तरह कुछ समय का क्लाइमैक्स ही नहीं, बल्कि एक विस्तृत कैमियो सीन होने वाला है। सूर्यवंशी कहानी है मुंबई के एक आतंकवादी हमले को रोकने के लिए। फिल्म में कुल मिलाकर अजय, रणवीर और अक्षय की एक साथ वाले सीन की लंबाई अराउंड 30 मिनट्स की दिखाई गई है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स और अन्य एक्शन थ्रिलर मूवीज के मुकाबले उनकी इस फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे दमदार व लंबे समय का होने वाला है। वेल, फिल्म में सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी वीर सिंह जब एक साथ मिलते हैं तो क्या हो पाता है मुंबई के हमलावरों का खात्मा, जानेंगे हम फिल्म देखने पर। फिल्म देखने के लिए ऑलरेडी कई मेहमान हैं जो बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। आफ्टर ऑल ट्रेलर के बाद सभी को लगा था कि यदि थिएटर्स नहीं तो कम से कम ओटीटी पर फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, मगर ऐसा करना रोहित को रास नहीं आ रहा। तभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ना तो रोहित शेट्टी ने जोर दिया, ना ही फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने। फिल्म की रिलीज डेट वैसे तो जून मिड में अनाउंस कर दी जाने वाली है, मगर क्या रिलीज प्लेटफॉर्म की भी कुछ घोषणा होगी या नहीं, ये तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। इसलिए जुड़े रहना होगा हमारे साथ और इंतजार करना होगा आपको बॉलीग्राड स्टूडियोज की अगली वीडियोस का। हम मिलेंगे जल्द, तब तक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको सूर्यवंशी की रिलीजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर, और क्या है आपकी अपनी पर्सनल राय। हम लेंगे इजाजत और मिलते हैं अपनी अगली। थोड़ी देती है सिर्फ सुपरहिट फिल्में,
क्या फिल्म की ओरिजिनलिटी पर लगे इंजाम से आया रोहित शेट्टी को गुस्सा? क्या सीख दी अनुपम खेर ने बेटे सिकंदर को? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक समय था जब अक्षय कुमार का ऑन स्क्रीन पसंदीदा रंग खाकी था। उनकी फिल्मों की सूची में कई पुलिस ड्रामा थे। अक्षय हमेशा ही एक पुलिस, आर्मी ऑफिसर और लॉयर जैसे प्रोफेशन में दर्शकों को पसंद आए हैं। वजह उनकी फिट बॉडी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल भी हो सकता है, या फिर उनका मार्शल आर्ट और एक्शन सीक्वेंसेस को खुद ही निभाना। अक्षय ने सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक पोस्टर 2019 में दर्शकों के लिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था और ये लिखा, बुलेट फॉर अ बुलेट। ईद 2020 पर हैशटैग रोहित शेट्टी की हैशटैग सूर्यवंशी के लिए तैयार हो जाइए। एक्शन से भरपूर मसाला बरकरार। फिल्म के सह निर्माता करण जौहर ने भी सूर्यवंशी का फर्स्ट लुक साझा किया और ट्वीट किया, ईद 2020 एक गोली के लिए एक गोली के बारे में होगा। हैशटैग सूर्यवंशी में सभी समय के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ब्लॉकबस्टर मशीन द्वारा निर्देशित हैशटैग रोहित शेट्टी हैं। लेकिन 2020 ईद में ना तो सलमान खान ही अपने फैंस को ईदी दे पाए और ना ही अक्षय पाजी, क्योंकि कोरोना का रोना जो रो रही थी दुनिया। रणवीर सिंह के साथ सिम्बा और अजय देवगन अभिनीत सिंघम के बाद रोहित के पुलिस ब्रह्मांड में नया प्रवेश अक्षय की वीर सूर्यवंशी ने लिया है, जिसकी एंट्री को सिम्बा के क्लाइमैक्स में दिखाया गया था एक बड़े ही मजेदार अंदाज में। इस फिल्म में सूर्यवंशी बने अक्षय आतंकवादियों से भिड़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले रोहित शेट्टी ने ट्वीट किया था कि सूर्यवंशी पर प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो गया है, मिशन सूर्यवंशी एन रूट गोवा। रोहित ने एक तस्वीर के साथ लिखा जिसमें उन्हें जेट ब्रिज में अपनी टीम के साथ पोज देते हुए दिखाया गया था। रणवीर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ओहो हाई कंपनी, पिक्चर शुरू। तीन अभिनेताओं अक्षय, अजय और रणवीर सिंह को अक्सर एक साथ देखा गया है और उन्होंने अपने कॉप यूनिवर्स के बारे में बात करते हुए बताया है कि ये पहली बार आपको हिंदी सिनेमा में देखने को मिलेगा। लेकिन रोहित शेट्टी शायद दबंग को भूल गए हैं। सिंघम एक लाभदायक फ्रेंचाइजी थी तो सिम्बा भी 2018 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई है और रोहित और रणवीर दोनों के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है इसने। फिल्म सूर्यवंशी से जुड़ी एक और रोचक बात कहें इसे, या फिर महज एक संजोग, इसी शीर्षक वाली एक फिल्म सूर्यवंशी 1992 में रिलीज हुई थी और इसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फैंटेसी हॉरर फिल्म का निर्माण विजय ग्लानी ने किया था। महीनों की अटकलों के बाद कैटरीना कैफ को रोहित शेट्टी की इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। फिल्म निर्माता के पुलिस ब्रह्मांड में नवीनतम फिल्म में अक्षय कुमार आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख वीर सूर्यवंशी के रूप में दिखाई देंगे। ये अक्षय ही थे जिन्होंने इस खबर की घोषणा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, हमारे कॉप यूनिवर्स में आपका स्वागत है कैटरीना कैफ, हमारी सूर्यवंशी लड़की। उन्होंने रोहित और सह निर्माता करण जौहर के साथ अपनी और कैटरीना कैफ की एक तस्वीर को कैप्शन दिया। अगर बीते सालों की बात करें तो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने कई फिल्में दी हैं, जैसे कि सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन और वेलकम, और ये सारी की सारी फिल्में काफी हिट भी साबित हुई थी। हालांकि फराह खान की 30 मार खां के बाद स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया इन्होंने, जो कि 2010 में ही रिलीज हुई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रशंसक उनके ऑन स्क्रीन रीयूनियन के बारे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और टिप्पणी की है कि सूर्यवंशी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। एक सूत्र ने खुलासा करते हुए कहा, रोहित शेट्टी की मसाला एंटरटेनर, जिसकी घोषणा पिछले साल रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा की रिलीज के साथ की गई थी, कन्नडा फिल्म तगारू की रीमेक होने वाली है, जो कि शिव राजकुमार अभिनीत 2018 की पुलिस ड्रामा फिल्म थी। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ताज़ा खबरें ये भी हैं कि अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपने दिल का हाल बयान किया और बताया कि सूर्यवंशी के सेट पर उनके बेटे सिकंदर को अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के साथ काम करते हुए देखकर वो कितना अद्भुत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम तो जान लीजिए कि सिकंदर भी उन अभिनेताओं में से एक हैं जो सूर्यवंशी के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, और अनुपम खेर अपने बेटे को अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के साथ काम करते हुए देखकर अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे हैं। अनुपम खेर ने उन्हें सेल्फ मेड मैन और उद्योग में सबसे मेहनती अनुशासित लोग कहते हुए लिखा,
प्रिय सिकंदर खेर, आपको मेरे दो सबसे पसंदीदा सेल्फ मेड लोगों के साथ काम करते हुए देखना अद्भुत था। रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से बड़ी सफलता के प्रमुख उदाहरण हैं। हैशटैग सूर्यवंशी ना केवल एक लाइफ चेंजिंग फिल्म होगी बल्कि आपके लिए एक जीवन का सबसे बड़ा सबक भी बन के आएगी। आनंद लीजिए। सिकंदर ने भी अपने पिता को सभी तरह के शब्दों और प्रेरणा के लिए धन्यवाद देने के लिए कमेंट किया और ये भी उल्लेख किया कि वह कितना आभारी महसूस करते हैं कि उनके पिता उनके फिल्म के सेट पर आए थे। वही आनंद, तो दोस्तों अब आपके लेने की बारी है क्योंकि ये फिल्म जल्द ही रिलीज के लिए तैयार कर दी जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं एक ही स्क्रीन पर सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी को एक साथ देखने के लिए? हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको आज की ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सिमरन रावत, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर रोहित कैसे बने एक्शन मास्टर और डायरेक्टर? क्यों अपने ज्यादातर किरदारों के लिए रोहित की पहली पसंद अजय देवगन ही होते हैं? 35 रुपए से 350 करोड़ तक कैसे पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बने और किस तरह उन्हें लाइफ स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसा रहा रोहित शेट्टी का ये सुनहरा सफर। अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे ना सिर्फ अजय देवगन बल्कि किसी और के लिए भी बहुत खास थी। हम बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी की। जी हाँ, फूल और कांटे के असिस्टेंट डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। काम भले ही छोटा था लेकिन उन्हें करना ही था क्योंकि पिता के गुजरने के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी अपने घर को लेकर और साथ ही वो फाइनेंशियली भी काफी कमजोर चल रहे थे। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में लगा दी। फूल और कांटे के वक्त अजय देवगन और रोहित शेट्टी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसके बाद अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की मुलाकात हुई रोहित शेट्टी से, जो अजय देवगन ने ही करवाई। मैं आपको बता दूं, फूल और कांटे के एक्शन डायरेक्टर अजय देवगन के पिता ही थे। इसके बाद रोहित शेट्टी वीरू देवगन से ही एक्शन की ट्रेनिंग लेने लगे। वीरू देवगन ने उन्हें एक्शन में अपना करियर बनाने को कहा क्योंकि वीरू देवगन को खुद ही रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी के खून में ही एक्शन है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रोहित शेट्टी के पिता भी एक जमाने में मशहूर एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे। आज रोहित शेट्टी एक्शन डायरेक्टर के रूप में एक ऐसा चेहरा है जो ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काफी फेमस है और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं उनके काम की बदौलत। इसके बाद रोहित शेट्टी एज अ निर्देशक पहली बार सामने आए 2003 में उनकी फिल्म आई थी जमीन, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के बेटे को कास्ट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की। हालांकि जमीन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी, इसके बाद रोहित शेट्टी को उनकी असली पहचान मिली सुपरहिट फिल्म गोलमाल की बदौलत, जिसे रिलीज किया गया था 2006 में और इस पिक्चर में भी अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने साथ काम किया था। रोहित शेट्टी आज एक्शन डायरेक्टर की दुनिया का वो चेहरा है जिन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्मों से रूबरू करवाया। दोस्तों, गोलमाल सीरीज तो एक तरफ हिट हुई ही, साथ ही उन्होंने कई जाने माने कलाकारों के साथ भी काम किया, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस आई, फिर सिंघम आई। हालांकि हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि रोहित शेट्टी ने अपनी अधिकतर फिल्म अजय देवगन के साथ ही की है। इतना ही नहीं, रोहित शेट्टी एक सक्सेसफुल टेलीविजन होस्ट भी रह चुके हैं ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज भले ही रोहित शेट्टी अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म में काम कर रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो अक्षय कुमार की फिल्म के बॉडी डबल बने थे। जी हाँ, 1994 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें रोहित शेट्टी उनके बॉडी डबल बने थे। वेल, दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के बारे में तो हम सभी को पता है। पहले जहां सिंघम आई थी अजय देवगन के साथ, फिर सिंघम रिटर्न्स आई, उसके बाद रणवीर सिंह के साथ सिम्बा आई। अब इसी कॉप यूनिवर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रोहित शेट्टी जल्द ही अक्षय कुमार के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के साथ नजर आने वाले हैं। सूर्यवंशी का टीजर 20 मार्च 2020 को ही रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और इस पिक्चर को 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही है कि सूर्यवंशी को जल्द ही रिलीज करने की तैयारी है। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अपकमिंग फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो आया है सामने, कैटरीना कैफ ने मनाया किस चीज का जश्न, और क्या टिप्पणी की कमाल आर खान ने अक्षय कुमार को लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। अक्षय कुमार अपनी लगातार फिल्मों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। जल्द ही अक्षय और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होगी। कोरोना महामारी नहीं आई होती तो दोस्तों अब तक ये फिल्म रिलीज हो चुकी होती। इस फिल्म को करण जौहर और रोहित शेट्टी ने प्रोड्यूस किया है। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों सितारे एक दूसरे से फाइट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो क्लिप है फिल्म सूर्यवंशी के सेट से। दोस्तों बता दें कि अक्षय कुमार ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद में करण जौहर ने भी शेयर की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार रोहित शेट्टी के बीच हाथापाई इतनी बढ़ गई कि खुद पुलिस को दोनों के बीच में आना पड़ा। हालांकि मामला पूरा फिल्मी है। वीडियो की शुरुआत में कैटरीना कैफ भी नजर आ रही हैं और इस खबर की जानकारी दे रही हैं। दोस्तों बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी एक एक्शन फिल्म है। फिल्म में दर्शकों को रणवीर सिंह और अजय देवगन की भी एक झलक देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार ने आनंद एल राय की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग खत्म कर ली, जिसे आगरा में शूट किया गया था। मार्च 2019 में अक्षय कुमार की विशेषता वाला फर्स्ट लुक पोस्टर का खुलासा किया गया। श्रृंखला में पुरानी एंट्रीज के बजाय सूर्यवंशी किसी मौजूदा साउथ फिल्म की रीमेक नहीं बल्कि एक मूल कहानी है। दोस्तों सूर्यवंशी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी सिर्फ अक्षय कुमार को ही नहीं बल्कि अपनी पसंदीदा हीरोइन दीपिका पादुकोण को भी चिढ़ाते नजर आए। दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ जल्द ही पठान फिल्म में नजर आ सकती हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि वो कई तरह के एक्शन सीन भी करती नजर आएंगी। हालांकि अभी तक आधारिक सूत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर और चेन्नई एक्सप्रेस एक साथ की हैं और तीनों ही फिल्में हिट रही हैं। हालांकि दोस्तों इन्हीं खबरों के बीच दीपिका पादुकोण का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से देखा जा सकता है। दीपिका पादुकोण के साथ इस वीडियो में उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर रोहित शेट्टी नजर आ रहे हैं। दोस्तों दीपिका पादुकोण इस वीडियो में कुछ खा रही हैं और हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए बैठी हुई हैं। वो खाने की कोशिश करती हैं तो रोहित शेट्टी उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करती हैं तो रोहित शेट्टी उन्हें फिर रोक देते हैं। इस तरह वो दीपिका पादुकोण को तंग करने की कोशिश करती हैं। इससे झल्लाकर एक्ट्रेस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उनके सिर पर दे मारती हैं, जिसके बाद रोहित शेट्टी के सिर पर चोट का निशान भी देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि दोनों मस्ती ही कर रहे थे। अब किसी के सिर पर बोतल फोड़ने वाली मस्ती सिर्फ फिल्मों और फिल्म के अभिनेताओं द्वारा ही की जा सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की कामयाबी के बाद रोहित शेट्टी एक बार फिर से रणवीर सिंह को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी ने फिल्म का ऐलान करते हुए एक शानदार फोटोशूट करवाया है, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अब तक मिली जानकारी के अनुसार फिल्म का नाम सर्कस रखा गया है। दोस्तों एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे। इस बीच दोस्तों कैटरीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ जल्द ही बहुप्रतीक्षित सूर्यवंशी और हॉरर कॉमेडी फोन बूथ में दिखाई देंगी। वहीं दोस्तों कैटरीना कैफ के सूर्यवंशी को स्टार अक्षय की भी जल्द बेल बॉटम, रक्षाबंधन और अतरंगी रे जैसी फिल्में इसी साल रिलीज होने वाली हैं।
लेकिन दोस्तों फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान का कहना है कि अक्षय की फिल्मों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं और बेल बॉटम और सूर्यवंशी रिलीज नहीं होंगी। कमाल आर खान ने ये भी कहा कि अक्षय कुमार हर महीने एक नई फिल्म लाते हैं और हफ्ते में सातों दिन 24 घंटे शूटिंग करते हैं। कमाल सिर्फ नाम के ही कमाल है, बाकी उनके ट्वीट्स बॉलीवुड फिल्मों पर आए दिन नेगेटिव कमेंट ही की बौछार करते नजर आते हैं। लेकिन अक्षय के फैंस काफी लॉयल है और उन्हें इन ट्वीट्स से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्या आप भी अक्षय के फैन हैं? तो आप भी हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या सूर्यवंशी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर करके थक गए रोहित शेट्टी? क्या फाइनली रिलीज करने का फैसला कर दिया है? कब रिलीज हो सकती है फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों डायरेक्टर रोहित शेट्टी की एक्शन ड्रामा सूर्यवंशी एक ऐसी फिल्म है जिसकी रिलीज के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन कोरोना के आक्रमण के बाद से फिल्म की रिलीज लगातार टल गई है। और क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो, लेकिन अब रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म की रिलीज के इंतजार में खुद भी रोहित थक चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने अब फिल्म को रिलीज करने का मन बना लिया है, बस फिल्म थिएटर में आएगी या सीधे OTT या नेटफ्लिक्स पर आएगी, ये फैसला वो जून के बाद ले लेंगे। रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट अब केवल जून से लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कोरोना का हाल, अनलॉक में लोगों का रिस्पॉन्स और थिएटर से आ रहे आंकड़ों के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर फिल्म को कब और कहां रिलीज करना है, यानी कि जून के बाद, यानी कि जुलाई अगस्त रिलीज हो जाएगी ये फिल्म। हालांकि शुरू से ही रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के पक्ष में थे और अभी भी अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद जून जुलाई तक थिएटर खुल गए तो फिल्म को थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा। फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स के पास आ चुके हैं। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने 200 करोड़ से ऊपर की तगड़ी डील ऑफर की थी। इससे पहले भी सूर्यवंशी को 175 करोड़ का डील ऑफर हुआ था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। अगर थिएटर की बात करें तो सूर्यवंशी के थिएटर में रिलीज करने के लिए भी थिएटर मालिकों की जो कमाई है उसका हिस्सा फिल्म मेकर को देना पड़ेगा। फिल्म का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। फिल्म पहले ही 15 महीने लेट हो चुकी है। दिलचस्प बात ये रही कि अभी तक रोहित शेट्टी और रिलायंस को सूर्यवंशी के लिए OTT प्लेटफॉर्म से काफ़ी जो बड़ी बड़ी डील्स हैं वो आने लगी है, लेकिन उन्होंने इन डील्स को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो दर्शकों के साथ धोखा नहीं करना चाहते। फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है तो वही रिलीज होगी। सूर्यवंशी की टीम का मानना है कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की तिगड़ी पर्दे पर तबाही मचा देगी। सूर्यवंशी के अंदर दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने की काबिलियत है और इसीलिए उन्होंने पहले ही थिएटर मालिकों से अपना हिस्सा मांग लिया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि सूर्यवंशी जब भी रिलीज होगी हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के रास्ते खोलेगी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज पर फैसला होने के बाद ही तय हो पाएगा कि फिल्म कमा कितना पाएगी और ये भी देखना होगा कि कितने धमाकेदार ये कमाई करेगी। इस फिल्म का इंतज़ार फैंस 2018 से कर रहे हैं, जब उन्होंने रणवीर सिंह की सिम्बा में अक्षय कुमार की एक झलक देखी थी। वहीं आते सूर्यवंशी के एंड में भी कुछ ऐसा ही होगा, सिंघम की झलक दिखेगी और सिंघम 3 से डायरेक्ट कनेक्शन होगा इस फिल्म का। तो आपको कितना इंतजार है सूर्यवंशी का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। क्या सूर्यवंशी की रिलीज डेट पर हुआ फिर से बवाल? अक्षय की किस फिल्म को लेकर दी करनी सेना ने धमकी? आखिर किन फिल्मों में पहले भी पुलिस की वर्दी में नजर आ चुके हैं खिलाड़ी कुमार? अभिनेता अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज पिछले साल होनी थी। निर्माताओं ने रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी थी। कोरोना लॉकडाउन लगने से पिछले साल से इस मूवी को रिलीज करने की उम्मीद थी। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार इस मूवी को थिएटर में या OTT पर रिलीज को लेकर जून में फैसला लिया जा सकता है। इस मूवी में अक्षय के अलावा रणवीर सिंह, अजय देवगन और कैटरीना कैफ हैं। दरअसल सूर्यवंशी की रिलीज पिछले साल 24 मार्च को होनी थी। इसकी रिलीज के महज कुछ ही दिनों पहले देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और निर्माताओं को सही समय आने का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद कई फिल्में OTT पर रिलीज कर दी गई। निर्माता लगातार कहते रहे कि इस मूवी को थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा।
सिनेमाघर मालिकों के हित में लिए गए इस फैसले से राहत तो जरूर मिली, लेकिन लगातार हालात बिगड़ने के चलते अब इसे ज्यादा रोकना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार थिएटर या ओटीटी रिलीज के मामले को इसी महीने सुलझाया जाएगा। रिलायंस एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी ने तय किया है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोविड की पोजीशन देख निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी ओर अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म पृथ्वीराज रिलीज से पहले ही विवाद में घिरती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्षय की ये फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और उनकी वीरता के किस्सों पर आधारित है। ऐसे में एक बार फिर से कर्णी सेना फिल्म और उसके नाम पर आपत्ति जताती हुई दिखाई दे रही है। संगठन का कहना है कि इस फिल्म का नाम बदल कर कुछ और रखना चाहिए। एक इंटरव्यू देते हुए कर्णी सेना के युवा शाखा के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने फिल्म पृथ्वीराज को लेकर कहा कि जो फिल्म निर्माता है वो इस फिल्म का नाम केवल पृथ्वीराज कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म महान पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बनाई जा रही है। उनका संगठन चाहता है कि इस फिल्म का नाम बदल कर उनके पूरे नाम पर रखा जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। फिल्म के नाम को बदलने के बाद कर्णी सेना की शिकायत यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से मांग की है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले उन्हें ये फिल्म दिखाई जाए। सुजीत सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर बात करते हुए फिल्म निर्माताओं को चेतावनी दी है कि यदि वो हमारी सलाह नहीं मानेंगे तो इसका भुगतान भरने के लिए तैयार हो जाए। यही नहीं, सुरजीत ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की पद्मावत की याद दिलाते हुए कहा कि जो उस फिल्म के साथ हुआ कुछ ऐसा ही इस फिल्म के लिए भी वो तैयार रहे। फिल्म पृथ्वीराज की बात करें तो वो यशराज बैनर के तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में खत्म हो चुकी है। वहीं बीते साल कोरोना की वजह से शूटिंग को रोक दिया गया था, बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया गया। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ एक्टर सोनू सूद, संजय दत्त, आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म से मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चरार अपना डेब्यू करने जा रही है। लेकिन एक्शन के महारथी डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी पिछले 1.5 साल से रिलीज के लिए अटकी पड़ी है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की सूर्यवंशी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोहित शेट्टी जब भी अपनी फिल्म को रिलीज करने का मन बनाते हैं, देश में कोरोना के मामले बढ़ जाते हैं। साथ ही दर्शकों की चाहत अक्षय को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखने की मानो बढ़ती ही जा रही है। पुलिस की वर्दी पहनने वाले पुरुषों की वैसे अलग ही बात है। बॉलीवुड के एक्टर्स ने जब जब ये वर्दी पहनी है तब तब उनकी फिल्में सुपरहिट हुई हैं। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और सुनील शेट्टी ने अतीत में पुलिस वर्दी के साथ पूरा न्याय किया और अब खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं जो बॉलीवुड में कुछ सबसे प्रतिष्ठित पुलिस को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। अक्षय कुमार एक बार फिर रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के साथ पुलिस वाले के डंडे का दम दिखाने के लिए लौट रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में अक्षय कुमार के एक सख्त पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने से। 1994 में रिलीज हुई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। फिल्म में अक्षय के साथ उनकी उस समय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड शिल्पा शेट्टी भी थी। फिल्म का गाना चुरा के दिल मेरा काफी मशहूर हुआ था। इसके बाद अपनी दूसरी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रवीना टंडन के साथ भी चोर पुलिस का खेल खेला था खिलाड़ी कुमार ने फिल्म मोहरा में। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी थी। फिल्म का सुपरहिट गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त को आखिर कौन भूल सकता है। फिर 2004 में रिलीज हुई खाकी। एक आरोपी आतंकवादी का पीछा करने के लिए तैयार वफादार पुलिस अधिकारियों की कहानी थी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने सीनियर इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई थी जो फ्लर्टी और भ्रष्ट थे। फिल्म में उनके ऑपोजिट ऐश्वर्या राय थी। इसी तरह अक्षय कुमार ने खिलाड़ी 786 और राउडी राठौर में भी एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। और एक बार फिर पुलिस के इंटेंस और ईमानदार अवतार में कटरीना संग लव का फीवर चढ़ाने हेलीकॉप्टर में लटके आ रहे हैं सूर्यवंशी। तो अपने घरों की छतों का ध्यान रखिएगा, कहीं लैंडिंग आपके घर पर ही ना हो। अब दुआ कीजिए कि दवा काम आ जाए और जल्द ही लॉकडाउन के बाद सूर्यवंशी को हम इत्मीनान से थिएटर्स में देख पाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अक्षय को पुलिस वाले की वर्दी में दोबारा देखकर आपको कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागची ने संभाली अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी में म्यूजिक की बागडोर।
क्यों फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पर मंडरा रहा है खतरा और क्या इस पिक्चर के लिए मराठी में बात करेंगे अक्षय कुमार, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली है और इस पिक्चर के लिए अक्षय कुमार के तमाम फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सूर्यवंशी पर कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अक्षय कुमार की वैसे तो इस साल 5 फिल्में रिलीज होने वाली है और इन तमाम 5 फिल्मों की शूटिंग खत्म भी हो चुकी है, लेकिन अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है खासतौर पर सोशल मीडिया हैंडल पे, तो वो है रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सूर्यवंशी की। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और फिल्म है जिसकी चर्चाएं आम है और वो भी अक्षय कुमार की ही फिल्म है। हम बात कर रहे हैं बेल बॉटम की। जी हाँ, एक तरफ सूर्यवंशी और दूसरी तरफ बेल बॉटम, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये दोनों ही पिक्चर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है। जब से ऐसी खबर आई कि अक्षय कुमार की इन दोनों फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी है, अक्षय कुमार के तमाम चाहने वाले मानो खुशी से झूम उठे। जी हाँ, वो लंबे अरसे से खिलाड़ी कुमार की पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनका लंबा इंतजार खत्म भी होने वाला है और खुशी की बात ये है कि वो घर बैठे अक्षय की पिक्चर एंजॉय कर सकते हैं। बेल बॉटम की टीम ने एक बयान जारी किया था कुछ दिनों पहले, जहाँ कहा गया कि फिलहाल जिस प्लेटफॉर्म पर बेल बॉटम को रिलीज किया जाएगा उस कंपनी से बातचीत जारी है और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे ही इस पर कोई क्लैरिटी मिलती है, फिल्म के निर्माता खुद इस बात की संदेश दे देंगे कि आखिर फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। बात करें सूर्यवंशी की, तो फिलहाल रिलायंस एंटरटेनमेंट की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है इस पिक्चर के वजह से, क्योंकि सूर्यवंशी की शूटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से अधिकारी ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पिक्चर को थिएटर में ना रिलीज करके OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाए और इसको लेकर मीटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में आपको रणवीर सिंह और अजय देवगन का भी कैमियो रोल देखने को मिल सकता है। रोहित शेट्टी की ये कॉप यूनिवर्स की 4th फिल्म होने वाली है। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार एक धाकड़ किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक तरफ वो पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, तो रोहित शेट्टी की फिल्म में एक्शन ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वही स्कॉर्पियो गाड़ी, वही हेलीकॉप्टर आपको देखने को मिलने वाली है, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसी के साथ कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सूर्यवंशी में एक नहीं बल्कि 2 विलेन होने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्म की स्टोरी लाइन मुंबई पर होने वाले आतंकवादी हमले के संदर्भ में होगी। दरअसल मुंबई पर एक आतंकवादी हमला होने वाला होता है और इसी को रोकने के लिए अक्षय कुमार यानी वीर सूर्यवंशी अपना रोल अदा करते हैं। अक्षय कुमार इस पिक्चर में वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाने वाले हैं और हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वो मुंबई एंटी स्क्वाड का हिस्सा होकर एक सीक्रेट मिशन टास्क को पूरा करते हैं और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, सूर्यवंशी में जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका पुराना टपोरी स्टाइल, जी हाँ वो फेमस टपोरी स्टाइल आपको सूर्यवंशी में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैकी श्रॉफ इस पिक्चर में शुरुआत में विलेन के किरदार में दिखेंगे और अंत में वो एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होती है फिल्म की पूरी स्टोरी, ये तो आपको पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार मराठी भाषा में बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं, इसी के लिए उन्होंने मराठी लैंग्वेज की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है कैटरीना कैफ, जो अक्षय कुमार की बीवी अदिति सूर्यवंशी का किरदार निभाएंगी। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस पिक्चर में हमें पुराने गाने का रीमेक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, हिमेश रेशमिया भी इस पिक्चर में गाना गा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हिमेश रेशमिया और अक्षय कुमार पहले भी कई पिक्चरों में साथ काम कर चुके हैं।
दोस्तों आप सूर्यवंशी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम है। सूर्यवंशी मूवी का बजट, कब होगी सूर्यवंशी मूवी की रिलीज, क्या है मूवी का प्लॉट। हेलो दोस्तों, मैं रक्षिता और आज आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। होप कि आप सभी अपने घर पे सेफ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड कुछ औसम अपडेट्स को, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या है सूर्यवंशी मूवी का बजट, कब होगी ये मूवी रिलीज और क्या है मूवी का प्लॉट। रोहित शेट्टी की एक्शन थ्रिलर मूवी सूर्यवंशी को बॉलीवुड में अब तक की सबसे बड़े बजट वाली मूवी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मूवी के प्रोडक्शन में कुल 100 करोड़ तक का खर्चा हुआ है। कैटरीना कैफ ने अपने किरदार अदिति सूर्यवंशी के लिए 16 करोड़ तक चार्ज किए हैं। हालांकि वो अब बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन नहीं रही और उनकी जगह को दीपिका पादुकोण ने ले लिया है और बॉलीवुड में सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी हैं। हाल ही में प्रभास 21 के लिए दीपिका को 20 करोड़ में साइन किया गया था, मगर प्रभास के अपनी अपकमिंग मूवी सालार और अदीशपुर की शूटिंग में बिजी हो जाने की वजह से प्रभास 21 को पोस्टपोन किया गया है और दीपिका ने भी प्रभास 21 से वॉकआउट किया है। फिल्म सूर्यवंशी में उस्मानी के किरदार में गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे और उन्होंने 1.25 करोड़ तक का चार्ज किया है। साथ ही जैकी श्रॉफ भी एक अहम किरदार निभाते हुए 3 करोड़ और अभिमन्यु सिंह ने 75 लाख में साइन किया है इस प्रोजेक्ट को। अब हम बात करेंगे सिंघम और सिम्बा की, यानी अजय देवगन और रणवीर सिंह की, जिन्होंने सेम प्रोडक्शन हाउस के ही अंडर ही सिंघम सीरीज और सिम्बा मूवी रिलीज किया था। इस मूवी में दोनों एक्टर्स ने कैमियो रोल किया था जिसके लिए उन्होंने कोई फी नहीं लिया है। दरअसल सिम्बा में अक्षय कुमार की स्पेशल अपीयरेंस के साथ ही लॉक हो गया था सूर्यवंशी का प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए 50 करोड़ के बहुत बड़े अमाउंट का चार्ज किया है। हालांकि ये भी खबर है कि रोहित शेट्टी ने इस मूवी के लिए 20 करोड़ तक का खर्चा किया है और खुद ही राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के कारण फिल्म के प्रॉफिट में सबसे बड़ा शेयर भी उन्हीं का होने वाला है। साथ ही इस फिल्म के प्रोडक्शन में करण जौहर, यश जौहर और अरुणा भाटिया ने भी भरी अमाउंट का खर्चा किया है और इस फिल्म को प्रॉफिट कमाने के लिए 150 से 200 करोड़ तक का तो कमाना ही पड़ेगा। मगर जिस तरह का सूर्यवंशी को लेकर बस क्रिएट हुआ है, माना जा रहा है कि ये फिल्म 500 करोड़ तक का कलेक्शन तो कर ही लेगी। और यही वजह भी है कि फिल्म मेकर्स मूवी की ओटीटी रिलीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और मूवी के रिलीज पे केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर अभी भी कोई कंफर्म तारीख नहीं मिल रही है सूर्यवंशी की रिलीज के लिए। मेकर्स ने 2020 की स्टार्टिंग से ही मूवी को रिलीज करने का प्लान किया था, मगर हर बार कोई न कोई अड़चन मूवी की रिलीज में आ ही रही थी। सबसे पहले उन्होंने 2020 में ईद में रिलीज करने का सोचा, फिर मूवी को प्रीपोन किया मार्च के लिए, लेकिन फिर पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और फिर कोरोना के घटते केसेस को देखते हुए फिर से प्रोडक्शन हाउसेस ने डिसाइड किया कि दिवाली में करेंगे मूवी की रिलीज, मगर फिर से थिएटर्स बंद हो जाने की वजह से 2021 के जनवरी से मार्च में रिलीज करना चाहा, मगर इस बार फिर से कैंसिल हो गया और अप्रैल के लिए सोचा गया, मगर इसे भी कैंसिल करना पड़ा मेकर्स को और अब उन्हें केवल लॉकडाउन के खुलने का इंतजार है। मेकर्स किसी भी हालत में सूर्यवंशी की डेट्स क्लैश नहीं करवाना चाहते हैं और डायरेक्ट थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर एंट्री का इंतजार है। साथ ही बार बार मूवी की रिलीज कैंसिल होने की वजह से बढ़ रही है फैंस की आपस में कंट्रोवर्सी। हाल ही में बॉयकॉट सूर्यवंशी और हेट अक्षय कुमार जैसे पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसका रिप्लाई हमारे खिलाड़ी राजा ने बहुत ही प्यार और समझदारी से दिया और इस पर फैंस का गुस्सा भी ठंडा हो गया और फैंस ने भी माफी भरे पोस्ट किए हैं।
और बहुतों ने तो अपने अकाउंट से हेट पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। फिल्म के एक्टर का खुद से अपनी मूवी के लिए स्टैंड लेना और फैंस को समझाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और अक्षय कुमार के ऐसा करने पर ही कहीं जाके बात बनी है। हालांकि फिल्म का प्लॉट बहुत ही रोमांचक और आकर्षणीय है। फिल्म में हमें खिलाड़ी कुमार एक पावर पैक्ड एक्शन थ्रिलर रोल में नजर आएंगे, जहां वे मुंबई पुलिस DCP वीर सूर्यवंशी का रोल प्ले करेंगे और उनकी वाइफ अदिति सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगी कैटरीना कैफ। इस जोड़ी ने दे ददादन के बाद 6 मूवीज में एक साथ काम किया और अब एक बार फिर से 10 सालों बाद अक्षय और कैटरीना एक साथ काम कर रहे हैं। उनकी दोस्ती तो सालों से चर्चाओं में रह चुकी है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे वीर सूर्यवंशी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड करेगा इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव और DCP बाजीराव सिंघम की फोर्सेस के साथ ज्वाइन, और कैसे मुंबई को टेररिस्ट के अटैक से बचाते हुए ये तीनों मिलकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि कैसी रही। राजीव खंडेलवाल को छोड़कर किसके प्यार में गिर पड़ी थी हमारी आमना शरीफ, और क्या है उनके करियर की दास्तान, कैसा है उनका निजी जिंदगी में लव अफेयर और शादी तक का रिश्ता, आइए इन सभी के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आमना शरीफ उन दिग्गज कलाकाराओं में से एक है जिनकी जिंदगी सिर्फ बॉलीवुड या टीवी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कई अलग अलग फील्ड में काफी बेहतरीन तरीके से काम किया है और हर जगह खुद को काफी बेहतरीन तरीके से प्रूव करके दिखाया है। तो आइए आज उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ निजी बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और मैं फिर लेके आ गई हूं फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आप तक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आमना शरीफ के बारे में। तो दोस्तों, आमना शरीफ एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से बहुत लोगों का दिल खूब तरीके से जीता है। 2003 में उन्होंने एक पॉपुलर शो कहीं तो होगा से अपना पहला कदम टेलीविजन में रखा था, और इसी शो में उनके साथ अपोजिट रोल में थे राजीव खंडेलवाल। इनका ये शो काफी बेहतरीन तरीके से चला और इसका फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा था। अब अगर आपको बताएं तो शो की स्टार्टिंग से ही इन दोनों के आपस में रिश्ता होने की बात मीडिया में फैलने लगी थी। हालांकि इन दोनों ने कभी भी सामने से इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन लोगों को हमेशा ही इनका रिश्ता कहीं ना कहीं छुपा हुआ जरूर दिखा, भले ही वो अवार्ड शो हो, पिकनिक हो, लंच डेट्स हो या फिर और कहीं घूमने जाना, ये दोनों हमेशा साथ में स्पॉट किए जाते थे। इसलिए इन दोनों के रिश्ते के बारे में मीडिया ने भी छापना काफी शुरू कर दिया था। लेकिन बात तब बिगड़ी जब 2009 में आमना शरीफ अपनी बॉलीवुड डेब्यू मूवी आलू चाट में नजर आने की तैयारी कर रही थी, जिसमें इन मूवी में इनके साथ आफताब शिवदासनी होने वाले थे, और उसी के बाद से इनकी लव लाइफ हो गई थोड़े मिसमैच। इनका राजीव के साथ रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इस मूवी के बाद इनकी और आफताब की खबरें लोगों में सुर्खियों की तरह उड़ने लग गई। हालांकि यह उस टाइम भी राजीव को डेट कर रही थी, लेकिन मीडिया को इनकी और आफताब की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए सब लोगों ने उनके बारे में छापना शुरू कर दिया था, और शायद इसी का फर्क उन दोनों के रिश्ते पे भी पड़ा। अब अगर बात करें तो इस मूवी के बाद उन्होंने एक और विश मूवी साथ में की थी जिसका नाम आओ विश करें था, और उसके बाद से तो आफताब और आमना शरीफ की इस केमिस्ट्री का फैन हर कोई हो गया। इन्होंने अपनी मूवी के बाद 3 साल लेट किया एक दूसरे को, और उसी के बीच में 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान राजीव खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 3 साल साथ में बिताए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय से वो दोनों आपस में टच नहीं हैं। वो अपनी फिल्मों में बिजी हैं और दोनों अपने रिस्पेक्टिव करियर में काम करने के लिए बहुत खुश हैं, और उन्होंने साथ में यह बात भी बोली कि अब वो उनके साथ टच में नहीं है और मैं जानता हूँ कि उनके नए रिलेशनशिप की खबरें आ रही हैं, पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। जिसके बाद एक बात तो श्योर हो गई कि वह दोनों कभी ना कभी रिश्ते में जुड़े जरूर थे। अब अगर बात करें आफताब और आमना के रिश्ते की, तो यह रिश्ता भी कुछ खास नहीं चला, और उसी के बाद 3 साल बाद 2011 में दोनों अलग हो गए। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही उनकी एक दोस्ती हुई डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोड्यूसर बने अमित कपूर से, जिनके साथ उन्होंने 1.5 साल डेट किया, और उसके बाद 2013 दिसंबर में दोनों ने शादी कर ली।
जिसके बाद 2015 में उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम आर्यन है। अब अगर उनके करियर की बात करें तो आखिरी बार आमना नजर आई थी 2014 की हिट मूवी एक विलन में, जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। मोहित सूरी की इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और साथ ही साथ में श्रद्धा कपूर थे। वही आमना शरीफ नजर आई थी रितेश देशमुख यानी के विलन के बीवी के रोल में। अब अगर बात करें तो इस मूवी का एक सीक्वल बनने वाला है जिसमें की तारा सुतारिया, जॉन अब्राहिम, अर्जुन कपूर और साथ ही साथ में दिशा पटानी नजर आने वाले हैं। मल्टी स्टारर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाती है ये देखने की बात गौर करने के लायक होगी। अब अगर बात करें तो यह बात भी सामने आई है कि इस बार आमना का इस सीक्वल में बहुत ही स्पेशल किरदार होने वाला है और शायद इस बार वह अपना रिवेंज लेने वाली है। तो देखना होगा कि इस बार का ये सीन कैसा रहता है और मूवी लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाती है। अब आप मूवी का इंतजार कीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, ताकि हम आपको और बता सके फिल्मी जगत के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हिंदी सिनेमा से आपको जोड़े रखें हम लोग। OTT प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए तैयार हो गई फिल्म सूर्यवंशी। अक्षय और कैटरीना की फिल्म सूर्यवंशी की क्या है स्टोरी? लंबे समय के बाद अक्षय और कैटरीना की केमिस्ट्री देख क्या है ऑडियंस के रिएक्शन? नमस्ते दर्शकों, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और आपकी आज के वीडियो की होस्ट हस्ती। मैं बताऊंगी आपको कि क्या है सूर्यवंशी फिल्म का चक्कर। आखिर रिलीज डेट्स को इतना डीले कर देने के बाद क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं रोहित शेट्टी थिएटर्स के खुलने का? वेल, बड़े लंबे समय के बाद हीरोइन कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार एक साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले दोनों फिल्म सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन, 30 मार खां में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इन सभी फिल्मों के अलावा भी खिलाड़ी भैया और कैटरीना कैफ ने एक साथ बॉलीवुड में एंट्री दी है। सिंग इज किंग इनमें से सबसे ज्यादा हिट पिक्चरों में से एक है। सिंग इज किंग में अक्षय यानी की शरारती हैप्पी को लखन को लेकर आने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वो अपने बीमार पिता से मिल सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हैप्पी स्थानीय अंडरवर्ल्ड किंग के रूप में लखन की जगह लेता है। 2008 में रिलीज हुई यह फिल्म कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल एलिमेंट भी लेकर आई थी। फिल्म में अक्षय और कैटरीना की जोड़ी को बहुत फेम प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं सूर्यवंशी की। फिल्म एक्शन से भरपूर होगी, इस बात का खुलासा खुद रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से किया था। फिल्म की शूट के दौरान रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी। फोटो में दो लग्जरी कारें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही थी और वहीं दूसरी फोटो में लग्जरी कारें हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। रोहित द्वारा शेयर की गई इन फोटो से तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि कॉप यूनिवर्स वाली फिल्म सूर्यवंशी में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन सीन्स का डबल डोज देखने को मिलेगा। फिल्म सूर्यवंशी से पहले रोहित सिंघम सीरीज और सिम्बा जैसी फिल्में ला चुके हैं, जहां एक और फैंस को इस बात का डाउट था कि फिल्म फिर से इन्हीं पुलिस की मूवीज के जैसी होगी। वहीं दूसरी ओर रोहित का कहना है कि अक्षय का किरदार अजय और रणवीर के किरदार से बिल्कुल अलग होगा और फिल्म की कहानी भी सिम्बा और सिंघम सीरीज से अलग होगी। वेल, अगर ऐसा है तो फिर तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कॉप यूनिवर्स की वो क्या खास बात लेकर आ रहे हैं इस बार डायरेक्टर रोहित शेट्टी। वैसे तो फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज करने की बात की जा रही है। मेकर्स इस बात पर अभी चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि फिल्म इतनी बार टल चुकी है तो अब बेहतर होगा कि फिल्म को डायरेक्ट रिलीज दी जाए प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। OTT पर रिलीज करने का फैसला भले बहुत देर से लिया, मगर फाइनली फिल्म के आने के चांसेस बन गए हैं। देखना बस ये होगा कि फिल्म अब और क्या क्या नए एस्पेक्ट को कवर करती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट कर हमें बताइए कि क्या सूर्यवंशी को लेकर हैं आपके विचार। मैं जल्द आऊंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। एक्टर को कैसे जीते हैं खिलाड़ी कुमार? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिस पर इतनी बड़ी बात बोल बैठे भारत के ये फेमस सेलिब्रिटी? स्वागत है आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। पूरे एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस टिकरी बड़े पर्दे पर आने ही वाली थी कि कोरोना का कमबैक हो गया और फिल्म इन्फिनिटी के लिए टल गई। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भले ही हम रियल अक्षय को नेशन प्रोटेक्ट करते ना देख सके, पर रियल अक्षय के नेशन सपोर्टिंग किस्से तो सुन ही सकते हैं।
जी हाँ, इस कोरोना सिचुएशन में हमारे रियल लाइफ हीरो अक्षय ने फिर से वापसी की है, जिसकी तारीफ आम आदमी के साथ साथ बड़े सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश में चल रहे मुश्किल हालातों को देखते हुए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज अब आम जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर ये सभी सितारे लोगों के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और सभी से उनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचाने का फैसला लिया है। वही इससे पहले अक्षय ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दान किए थे, जिसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, इस समय हर मदद उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। गौतम गंभीर फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए शुक्रिया। इससे जरूरतमंदों के लिए खाना, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। उनकी इस मुहिम में उनका साथ देते हुए पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों की मदद के लिए करीब 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दान करने का फैसला किया है और इसके लिए वो एक रजिस्टर्ड एनजीओ की तलाश कर रही है। बता दे कि अक्षय कुमार उन लोगों में शामिल है जो किसी भी मुश्किल के समय देश के साथ खड़े दिखाई देते हैं और हर पॉसिबल हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए जमा कराए थे और मुंबई पुलिस फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए दान किया था। अक्सर अपनी चैरिटी के लिए चर्चा में रहने वाले अक्षय कुमार असम के फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए भी आगे आए थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए 1 से 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इस तरह से सही मायने में अक्षय कुमार एक हीरो है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आखिर क्यों हर देशभक्ति और सामाजिक फिल्म के लिए अक्षय कुमार मेकर्स की पहली पसंद रहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वैसे ही रिस्पॉन्स उनकी फिल्म को भी मिले और उनकी सूर्यवंशी सुपर। क्या सूर्यवंशी के शुरू होने से पहले ही रोहित शेट्टी और करण जौहर के बीच पैदा हुई दरारें? आखिर अक्षय और रोहित ने करण जौहर को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो वन, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के बीच नोकझोंक चलती रहती है, बहुत बार ये छोटी सी नोकझोंक बहुत बड़ी बन जाती है। अब बात करी जाए एक्टर सलमान खान और विवेक ओबेरॉय की, तो इन दोनों की लड़ाई का किस्सा तब से चलता आ रहा है और आज तक शायद सबसे ज्यादा फेमस भी है। अब दोस्तों बात करी जाए फिल्म सूर्यवंशी की, तो जहां ये फिल्म अभी हुई, इसके रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद करण जौहर पर काफ़ी सारी एलिगेशंस लगाई गई थी और इस वजह से करण जौहर की बॉलीवुड में इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। कोई भी करण जौहर के साथ काम करना नहीं चाहता था, हर कोई करण जौहर को बॉयकॉट करना चाहता था। बताया जाता है कि करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म में इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब जैसा कि वो खबरों में हमेशा बने रहते हैं कि वो स्टार किड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स, तो ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हुआ। लोगों का मानना है कि करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म में काम करने का चांस नहीं दिया, जिस वजह से सुशांत ने अपने आप को खत्म कर लिया। तो दोस्तों इसी दौरान एक खबर और भी आई थी कि करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहे थे रोहित शेट्टी और अक्षय, तो इन्होंने इन सभी खबरों के बाद खुद को फिल्म से अलग। होगा कि रोहित ने ये कदम इसी वजह से उठाया, इस सब के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस रीजन सामने नहीं आया है। दोस्तों इस सब के बाद ये खबर ट्विटर पर आग की तरह फैल गई, बहुत लोग इस खबर को देखकर शॉक हो गए।
तो इसके बाद बहुत सारे ट्वीट्स के जरिए ये बात सामने आई कि उन्होंने खुद को फिल्म से इस वजह से अलग नहीं किया। उन्होंने खुद को फिल्म से अलग किया क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और फिल्म के लीड एक्टर अक्षय और फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी इस फिल्म को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब दोस्तों, सच क्या है और झूठ क्या है, इस सब के दलदल में पूरी की पूरी ऑडियंस फंस गई। वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सबके डाउट्स खत्म कर दिए। उन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने बताया कि करण जौहर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सूर्यवंशी इज टोटली अनट्रू, क्लैरिफाइड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट। तो चलिए, इस खबर के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन करण जौहर की वो इमेज जो बॉलीवुड में और पूरे हिंदुस्तान में बिगड़ चुकी है, उसका क्या होगा? आप सभी को क्या लगता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस फिल्म सूर्यवंशी को देखने जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कौन सी अगली फिल्म की तैयारी में है सूर्यवंशी के डायरेक्टर एक्टर्स एक साथ? क्या सूर्यवंशी की रिलीज टलने के बाद रणवीर का पूरा ध्यान है फिल्म 83 पर? पुलिस के रोल के बाद क्या रणवीर दिखाएंगे अपना फनी लुक? सूर्यवंशी की रिलीज डेट बहुत लंबे समय से ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे में एक्टर्स और मेकर्स का ध्यान बाकी के प्रोजेक्ट्स पे तो जाएगा ही। ऐसा ही हो रहा है कुछ अब एक्टर रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी यानी कि सूर्यवंशी के डायरेक्टर के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त पंखुरी और मैं लेकर आई हूं आपके पास सूर्यवंशी से जुड़ी ये बेहद जरूरी न्यूज। दरअसल फिल्म सूर्यवंशी के रिलीज की डेट दो बार टल चुकी है। अप्रैल 30 को तय हुई डेट को अभी हाल ही में रोहित शेट्टी ने कोविड के चलते टाल दिया, पर अब वक्त है कि एक्टर्स और साथ ही फिल्म मेकर्स अपने अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना शुरू करें। बात में तो दम है, आफ्टर ऑल एक फिल्म के चलते हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस विचार से पूरी तरीके से सहमत है एक्टर रणवीर सिंह। रणवीर ने अजय देवगन के साथ सूर्यवंशी में स्पेशल एंट्री दी है। रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में रणवीर ने मेन लीड का किरदार निभाया था। जाहिर है फिल्म अगर रोहित शेट्टी की हो तो धमाका तो होना ही है। ऐसी ही थी कुछ सिम्बा। और अब कॉप यूनिवर्स की तीसरी मूवी सूर्यवंशी के साथ काम करने के बाद टाइम है एक बार फिर से रोहित और रणवीर सिंह का साथ में काम करने का। रोहित जल्द ही लेकर आ रहे हैं एक न्यू मूवी जिसका नाम है सर्कस। फिल्म इसी वर्ष आएगी पर दिसंबर एंड में। वैसे तो डेट 31 दिसंबर रखी गई है, पर किसी वजह से अगर फिल्म को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। वेल, सर्कस में रणवीर सिंह पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। उनके साथ होंगी जैकलीन और पूजा हेगड़े। रोहित शेट्टी की फिल्म कॉमेडी जॉनर की मूवी है। सर्कस के थ्रू रोहित एक कॉमेडी मूवी लेकर आएंगे जो फिल्म सूर्यवंशी से थोड़ी अलग है। फिल्म विलियम शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। सर्कस को साइड में रखें तो हमें दिखाई देगा कि जहां सूर्यवंशी की डेट्स को बार बार टाला जाने लगा है, इस वजह से एक्टर रणवीर सिंह ने अपना पूरा ध्यान मूवी 83 पर केंद्रित कर दिया है। हालांकि फिल्म 83 की तारीख को अभी भी कोरोना वायरस की वजह से पुश करना पड़ा है, पर अब पूरी तरीके से तैयार है कि फिल्म ऑडियंस को क्रिसमस का तोहफा देने के रूप में आए। देखना शानदार होगा कि एक ही वर्ष में, एक ही महीने में, 5 दिन में दो बड़ी फिल्मों को रिलीज करने का कैसा होगा रिजल्ट। इसके साथ हम आपको बता दें कि सूर्यवंशी को इसकी डेट्स को लेकर तो भले ही कोई ना कोई जानकारी सामने आएगी, पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है और खबरों के मुताबिक ये इस साल तो बेशक आ जाएगी। देखते हैं रोहित शेट्टी की इन दोनों मूवीज का कैसा होता है रिस्पांस और क्या मिलते हैं इन्हें रिव्यूज। ऐसी ही तमाम खबरें लिए मैं आऊंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप फॉलो कर। अक्षय की रिलीज बनी अक्षय कुमार के लिए सिर दर्द। क्यों किया उद्धव ठाकरे ने फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की सराहना? क्या था फैंस का रिएक्शन जब सुनी सूर्यवंशी की रिलीज डेट टलने की खबर? रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने वाली तीसरी फिल्म सूर्यवंशी का सभी को बेसब्री से इंतजार तो रहा है, पर ये क्या लगता है इस इंतजार को थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल 30 को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी के फिल्म मेकर ने अपने विचार बदल से दिए हैं। जी हाँ दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज पर। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका और मैं लेकर आई हूँ फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े एक बेहद खास खबर। फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज थिएटर्स में 30 अप्रैल को सुनिश्चित हुई थी, पर महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने फिल्म की रिलीज रोक दी है। रोहित ने कहा, फिल्म की वो माहौल देखते हुए अभी रिलीज करना सही नहीं समझते। हालांकि ट्रेलर देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड थे, पर महामारी के आगे तो कोई कुछ कर ना सका और तो फिल्म क्या चीज है।
इस बात की जानकारी फिल्म क्रिटिक व ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने ट्विटर पर दी। उन्होंने जनता को बताते हुए लिखा, कोविड के मामलों को देखते हुए रोहित शेट्टी ने फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज रोक दी है। सीएम उद्धव ने रोहित को किया अप्रिशिएट। जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, रोहित शेट्टी ने वाकई में महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे जी से सराहना प्राप्त की। वो इसलिए क्योंकि रोहित ने मामले को गहराई को समझते हुए फिल्म की रिलीज को टालने का निर्णय लिया। हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई नामी एक्ट्रेस जैसे गोविंदा, आलिया भट्ट, भूमि पाडनेकर, कार्तिक आर्यन व खुद अक्षय कुमार कोरोना से जंग लड़ते नजर आए थे। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सभी तरह के प्रिकॉशंस के बावजूद जब सेलिब्रिटीज भी कोरोना वायरस से बच नहीं पा रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा। बस इसी कुछ सोच के साथ रोहित ने फिल्म को आगे एक नई डेट अनाउंस करने का फैसला किया। जल्द ही हम सभी को फिल्म की नई डेट बताएंगे। ऑल्दो एक्टर अक्षय कुमार के खुद के लिए फिल्म की डेट दोबारा पोस्टपोन करने की खबर सिर में दर्द बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर पर आम आदमी के रिएक्शंस देखकर आप हंसेंगे भी और दूसरे ओर उन्हें देखकर उतने ही उदास हो जाएंगे। जनता मीम्स बना बना के पेश करती आ रही है। कई लोगों का कहना है कि अब तो फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर देनी चाहिए, कब तक फिल्म को डिब्बे में छुपा कर रखोगे। दोस्तों फिल्म कब तक आएगी डिब्बे से बाहर ये तो रोहित शेट्टी ही बता सकते हैं, पर इस फिल्म में कितने धमाके होने वाले हैं इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि अक्षय कुमार का पुलिस वाला अंदाज कितना रोमांचक साबित होगा ये हम जानते हैं। सूर्यवंशी की अगली डेट अब तक नहीं आई है, मगर आते ही जानकारी देंगे हम। मगर उसके लिए बने रहिए हमारे साथ और इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। चल मिलेंगे एंटरटेनमेंट की और खबरों के साथ। स्क्रिप्ट रिटन बाय भूमिका त्रिपाठी। अक्षय की सूर्यवंशी पर है किस बड़े प्रोजेक्ट से कंपैरिजन का खतरा? क्या इंडिया के इस चहेते एक्टर को टक्कर दे पाएंगे खिलाड़ी कुमार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार के सूर्यवंशी की हालत तो जैसे ईद के चांद जैसी हो गई है, जिसकी राह तो सब देख रहे हैं, पर ये इंतजार कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। रोहित शेट्टी फिल्म के बैनर तले बन रही इस फिल्म का हिंट तो हमें साल 2019 में ही मिल गया था, लेकिन कोरोना ने मानो पूरी शिद्दत से ऑडियंस और फिल्म को दूर करने की कसम खा रखी। फिल्म में अक्षय हमें टेररिज्म से मुंबई को बचा दे दिखे हैं, लेकिन क्या इस प्लॉट से आपको किसी सुपरहिट कहानी की याद नहीं आ रही? कौन सी कहानी? जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। यहाँ अक्षय को मुंबई में 1980s में बच गए बारूद को बचाना है, तो वही एक और कहानी थी जहाँ 25 दिन में मुंबई को बचाने का बड़ा मिशन एक पुलिस ऑफिसर को पूरा करना था। याद आया? जी हाँ, नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज सीक्रेट गेम्स। अगर ध्यान दे तो सीक्रेट गेम्स और सूर्यवंशी में कई कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोनों ही कहानियों में हीरोज को लिमिटेड समय में मुंबई को ब्लास्ट से बचाना था। दोनों ही फिल्म्स में अलग अलग रिलीजन्स को लेकर स्टीरियोटाइप्स और देश के प्रति उनके पार्टीशंस पर फोकस किया गया है। दोनों ही फिल्मों के विलन्स इतने इंटिमिडेटिंग हैं कि बड़े से बड़े हीरोज उनका सामना करने से पहले सोचेंगे। एक तरफ नवाज और पंकज हैं तो दूसरी तरफ अपना बिड़ू जैकी। दोनों ही फिल्म्स के विलन ब्लैक या व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे शेड के हैं। उनके इन बुरे कामों के पीछे कोई न कोई कारण है, ना कि उन फिल्मों की तरह जिसमें विलन एक दिन नींद से उठकर डिसाइड करते हैं कि आप उनको लाइफ में कुछ गलत काम करने का है। हालांकि दोनों फिल्मों में काफी डिफरेंसेस हैं, जहां सीक्रेट गेम्स मेनली विलन की कहानी बयां करती है और पॉलिटिक्स से करप्शन पर फोकस करती है, तो वहीं सूर्यवंशी में नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म की तरह ही हीरो पर स्पॉटलाइट दी गई है और पेट्रियोटिज्म पर फोकस रखा गया है। जहां अनुराग कश्यप की सीक्रेट गेम्स को रियलिटी से बेहद नजदीक रखा गया है, जिसमें विलन कोई बॉडी बिल्डर नहीं है और बच्चे पार्टी वेयर पहनकर स्कूल नहीं जाते, वहीं रोहित शेट्टी की फिल्म उनके स्टाइल वाली ही है, एक्शन पैक मसाला बॉलीवुड फिल्म जिसमें हीरो गाड़ी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है, डॉज करके मिसाइल से बच के जा सकता है। अब फिल्म की रिलीज के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों फिल्म्स के बीच यह क्या कनेक्शन है और ये उनके लिए वरदान साबित होता है या फिर शाप। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपके हिसाब से इस कनेक्शन का कोई अंजाम होगा, और अगर हाँ तो क्या। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फिल्म दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। अपने रियल लाइफ में भी अपने रियल कैरेक्टर को कैसे जीते हैं खिलाड़ी कुमार? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिस पर इतनी बड़ी बात बोल बैठे भारत के फेमस सेलिब्रिटी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पूरे एक साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस तिगड़ी बड़े पर्दे पर आने ही वाली थी कि कोरोना का कमबैक हो गया और फिल्म इन्फिनिटी के लिए टल गई। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भले ही हम रियल अक्षय को नेशन प्रोटेक्ट करते नहीं देख पाए, पर रियल अक्षय के नेशन सपोर्टिंग किस्से तो हमने सुने ही हैं।
जी हाँ, इस कोरोना सिचुएशन में हमारे रियल लाइफ हीरो अक्षय कुमार ने फिर से वापसी की है, जिसकी तारीफ आम आदमी के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देश में चल रहे मुश्किल हालातों को देखते हुए बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज अब आम जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ये सभी सितारे लोगों के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और सभी से उनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जान बचाने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले अक्षय ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दान दिए थे, जिसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए गौतम ने ट्वीट किया था, इस समय हर मदद उम्मीद की किरण है। गौतम गंभीर फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने के लिए आपका शुक्रिया। इससे जरूरतमंदों के लिए खाना, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। उनकी इस मुहिम में उनका साथ देते हुए पत्नी ट्विंकल खन्ना ने देश की ऑक्सीजन में कमी देखते हुए लोगों की मदद के लिए करीब 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दान करने का फैसला किया है, और इसके लिए वो एक रजिस्टर्ड एनजीओ की तलाश में है। बता दें कि अक्षय कुमार उन लोगों में शामिल है जो किसी भी मुश्किल के समय देश के साथ खड़े दिखाई देते हैं और हर पॉसिबल हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए जमा कराए थे और मुंबई पुलिस फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए दान दिए थे। अक्सर अपनी चैरिटी के लिए चर्चा में रहने वाले अक्षय कुमार असम के फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए भी आगे आए थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए 1-1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इस तरह से सही मायनों में अक्षय कुमार एक हीरो हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आखिर क्यों हर देशभक्ति और सामाजिक फिल्म के लिए अक्षय कुमार मेकर्स की पहली पसंद रहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह वो लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, वैसा ही रिस्पांस उनकी फिल्मों को भी मिले और उनकी सूर्यवंशी हिट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे सूर्यवंशी? क्या रोहित कॉप यूनिवर्स में हमें देखने को मिलेगी पहली कॉप मौत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का इंतजार दर्शक मानो बरसों से कर रहे हैं कि कब हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए खिलाड़ी कुमार आएंगे, कब एंग्री यंग पुलिसमैन सिंघम की जीप घूमेगी और कब क्वर्की सिम्बा का ह्यूमर सुनने को मिलेगा। लेकिन मानो ये कोरोना हमारे और फिल्म के बीच की मजबूत जोड़ वाली सीमेंट की दीवार बनकर खड़ी है, जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिल्म के प्लॉट को लेकर बड़ी खबर लाए हैं जो आपको हैरान करके रख देगी। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सूर्यवंशी में अक्षय कुमार मेन हीरो हैं, जो मुंबई को एक टेरर अटैक से बचाने की कोशिश करेंगे और उनकी इस मुहिम में उनका साथ देते नजर आएंगे अजय देवगन और रणवीर सिंह, और उनके ऑपोजिशन में खड़े दिखेंगे बैटमैन गुलशन ग्रोवर और झक्कास जैकी श्रॉफ। लेकिन हो सकता है कि अक्षय कुमार अपने इस मिशन में पार्शली फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुंबई को कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद एसीपी वीर सूर्यवंशी का ये एक्शन हमें फिर रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका सबसे करीबी इंसान, यानी कि फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही कैटरीना कैफ। हो सकता है कि फिल्म में कैफ जैकी द्वारा भेजी गई एक स्पाई हो, जिसे जैकी ने उनके सबसे बड़े ओपोनेंट अक्षय पर नजर रखने के लिए प्लांट किया है। इसके कारण भले ही अक्षय मुंबई को बॉम्ब से बचाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन जैकी उनकी पकड़ में नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है कि अक्षय की जान भी चली जाए और हमें पहली बार रोहित शेट्टी की फिल्म में मेन पुलिस हीरो की मौत देखने को मिले। हमारे इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ बिलीवेबल रीजंस भी हैं। इस फिल्म की ट्रेलर में ही काफी कुछ कहानी रिवील कर दी गई है, लेकिन रोहित इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्हें सरप्राइज फैक्टर का इम्पैक्ट का तो आइडिया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहानी में जरूर ऐसा कोई प्लॉट होगा जो ऑडियंस इमेजिन भी नहीं कर सकता। अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूर्यवंशी उनकी पिछली कॉप फिल्मों से काफी अलग है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी अधिकतर फिल्मों में हीरोइंस को सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार रोहित ने हमारे लिए एक अलग ही सरप्राइज तैयार करके रखा है। हो सकता है इसलिए उन्होंने कैटरीना कैफ को कास्ट किया, जिन्हें पहले भी हम एज एन एजेंट एक था टाइगर फिल्म में देख चुके हैं। इसके अलावा ये खबर भी बहुत पॉपुलर हो रही है कि सूर्यवंशी का ये मिशन सिंघम को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर अजय वर्सेस जैकी की ये फाइट हमें सिंघम 3 में कंटिन्यू मोड पे देखने को मिलेगी।
अब अक्षय कोई ऐसे हीरो तो है नहीं जो काम शुरू करे और बीच में ही छोड़ दे। इन सारी बातों का एक ही मतलब बनता है कि फिल्म में अक्षय की मौत हो जाएगी और इसका कारण कैटरीना होंगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर वाकई ये फिल्म की कहानी होती है तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म अच्छी साबित हो पाएगी या नहीं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने। क्या सूर्यवंशी में हो चुकी है जयकांत शिकरे जैसे आइकॉनिक विलन की एंट्री? ये विलन कौन है और कैसा धमाल मचाने वाला है सूर्यवंशी में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। दोस्तों, रोहित शेट्टी ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी कॉप यूनिवर्स की चौथी किश्त सूर्यवंशी की सक्सेस की। तभी तो पहले अक्षय कुमार और कैटरीना की सुपरहिट जोड़ी, फिर अक्षय अजय रणवीर की तिकड़ी, जैकी श्रॉफ एज अ विलन और फुल ऑन एक्शन जैसी हिट तरीकों को नारे इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वहीं अब एक और खबर सामने आ रही है इस फिल्म से जो कि विलन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम वेल बिल्ट विलन निकितन धीर की। जी हाँ, अगर आप इस नाम को नहीं पहचानते तो चेन्नई एक्सप्रेस के थंगाबली को याद कर लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में मुंबई में मद्रास का ये सुपरस्टार जादू बिखेरने के लिए तैयार है। थंगबली की एंट्री हो चुकी है इस फिल्म में और थंगबली का कहना है कि रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों, हम सिंघम के जयकांत शिकरे को आज तक नहीं भूले हैं और रोहित शेट्टी हमेशा अपनी फिल्मों से आइकॉनिक विलन लेकर आ ही जाते हैं जिनको सालों तक नहीं भूला जाता। वहीं निकितन की बात करें तो अक्षय के साथ वो दूसरी बार बड़े पर्दे पर दिखेंगे। इससे पहले वो हाउसफुल 3 में नजर आ चुके हैं। निकितन की बात करें तो महाभारत में कर्ण का अहम रोल प्ले करने वाले पंकज धीर के बेटे हैं और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी जोधा अकबर से, जो कि ऋतिक रोशन यानी कि ऋतिक ने इस फिल्म में अकबर का किरदार किया था और अकबर के जीजा शरीफुद्दीन हुसैन इस फिल्म में वो बने थे। इस रोल के लिए निकितन की बहुत ज़्यादा तारीफें हुई थी और वो विवेक ओबराय की फिल्म मिशन इस्तांबुल में भी नज़र आए थे। इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान और असिन स्टारर कॉमेडी रेडी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन फिल्मों में निकितन धीर को सही मायने में पहचान मिली शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। इसके अलावा निकितन हाउसफुल 3, फ्रीकी अली और दबंग 2 में भी नज़र आ चुके हैं। वहीं उन्होंने बॉलीवुड के अलावा तेलुगु फिल्म मिस्टर, गौतम नंदा, कंचे जैसी फिल्में की हैं। वहीं टीवी की बात करें तो नागार्जुन एक योद्धा, इशकबाज और नागिन 3 जैसे बहुत बड़े बड़े शोज में नजर आ चुके हैं। लास्ट टाइम में खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 के कंटेस्टेंट भी बने थे। एक्टिंग उनकी दमदार है, इसीलिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट उन्हें मिलते जा रहे। अब सूर्यवंशी में निकितन वर्सेस होने वाला है अक्षय कुमार, एक तरफ धंग दूसरी तरफ खिलाड़ी कुमार, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बात होगी। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है सूर्यवंशी का और इस फिल्म में थंगाबली को ऐसा विलन देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। तो आखिर सूर्यवंशी टाइटल के पीछे की कहानी क्या है? सलमान खान और फिल्म सूर्यवंशी का क्या है रिश्ता? क्या बदल गया है फिल्म का नाम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो दोस्तों, फिल्म सिम्बा, सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद रोहित शेट्टी तैयार है पिछले काम से इंस्पायर होकर आगे काम बढ़ाने को। फिल्म सूर्यवंशी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, दरअसल इस टाइटल के राइट्स रियलिटी में निर्देशक विजय गिलानी के पास थे। तो दोस्तों, विजय गिलानी के फिल्म में काम किया था एक्टर सलमान खान ने और फिल्म की इस टाइटल को यूज करने से पहले रोहित शेट्टी को डेफिनेटली सिर्फ कॉपीराइट यानी कि ऑनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिल्म सिंघम और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद अब बारी है सूर्यवंशी की। दोस्तों, रोहित शेट्टी ने ऑलरेडी बहुत पुलिस वालों की कहानी पर आधारित मूवीज बनाई है। अब इसी दौरान वो लेकर आए हैं सूर्यवंशी जो कि कॉप यूनिवर्स की तीसरी फिल्म होने जा रही है। पर एक नाम की ही दो फिल्मों का आना तो पॉसिबल नहीं है। सूर्यवंशी एक 1992 में रिलीज हुई हिंदी ड्रामा फिल्म थी जिसमें सलमान
सलमान खान और अमृता सिंह को कास्ट किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म में सलमान का नाम सूर्यवंशी विक्रम सिंह रहता है। फिल्म में कादर खान साहब ने भी काम किया था। वहीं दूसरी ओर आती है 2021 में आने वाली फिल्म सूर्यवंशी बाय रोहित शेट्टी, जिसमें अक्षय कुमार का नाम होगा सूर्यवंशी वीर सिंह। सूर्यवंशी एक पुलिस ऑफिसर है और कोई आम सूर्यवंशी नहीं। तो दोस्तों शुरुआती तौर पर तो टाइटल राइट्स रखने वाले प्रोड्यूसर विजय हिचकी जा रहे थे, मगर फिर उनकी बात बोनी कपूर से हुई, जिसके बाद इन्होंने सूर्यवंशी का टाइटल रोहित को दिया। हालांकि दोस्तों कुछ चेंजेस के बाद ही सही पर फिल्म को सूर्यवंशी का टैग फाइनली प्राप्त हुआ। फिल्म के निर्माता करण जौहर समेत और भी कई बड़े लोग हैं। सूर्यवंशी को रिलायंस एंटरटेनमेंट और साथ ही कैप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों बता दूं कि फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म के रिगार्डिंग जनता में बहुत चहल पहल रही है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो में भी कपिल ने अक्षय के आने पर सूर्यवंशी को लेकर काफी बातें की थी। ऐसे में ऑडियंस में एक्साइटमेंट का बढ़ना तो लाजमी है। इंतजार की घड़ी तो अब खत्म करते हुए नजर आने वाले हैं अक्षय, अजय व रणवीर सिंह, तीन बेहद हिट कलाकार एक ही प्लेटफॉर्म पर। मजा तो आने ही वाला है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिल्म सूर्यवंशी किस प्रकार के चेंजेस के साथ आ रही है अपने टाइटल में। तो दोस्तों बता दें कि कुछ खास ही मेजर चेंज तो नहीं है, बट स्टिल रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी के शीर्षक की इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि हम सभी के लिए आम चेंजेस माने जाते हैं, पर सच बताएं तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही छोटे चेंजेस बड़ी बड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं। अब सूर्यवंशी के रिलीज पर क्या होगा जनता का रिएक्शन, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। तभी मिलने आऊंगे आपसे अगली वीडियो में। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल तक प्रॉब्लम है ना। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल तक प्रॉब्लम है ना। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ, दे तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल तक प्रॉब्लम है ना। ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है।
सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल पर प्रॉब्लम है ना? ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ दे, जाओ दे, तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे। कॉलेज का गेट असल पर प्रॉब्लम है ना? ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ दे, जाओ दे, तुम चलो। ए बगा तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. गाड़ी चालू करो और चुपचाप फॉलो करो उसे।